नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा में दूसरे दिन भी गोलीबारी की कांड से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए। दरभंगा में दूसरे दिन भी गोलीबारी की कांड से माहौल दहशत का है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ज्योति सिंह पर जिस अपराधी ने गोली चलाया, आज उसी पर ज्योति सिंह गोली चलाकर दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि गोली लगने वाले शख्स ने अपना नाम अनुभव झा बताया है। आपको बता दें कि अनुभव झा ने बाकड़गंज में कल ज्योति सिंह के ऊपर गोली चलाया था। आज जब अनुभव जो अपने घर परी से आ रहा था तो रास्ते में इसका बाइक खराब हो गया। उसके बाद ये टेम्पो से लहरिया सराय आया। इसी बीच ज्योति सिंह को इसकी सूचना मिली और उसने 5 व्यक्तियों के साथ जाकर इस पर गोली चला दी। इस घटना में एक को गिरफ्तार किया जा चुका है, उससे पूछताछ शुरू है। वही दरभंगा में 2 दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। जब ज्योति सिंह हकीरा चौक के पास पहुंचे तो 2 बाइक सवार गोली चलाए, जिसमें अनुभव झा को पेट में 1 गोली लग गई। हालांकि इसने पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया है। इससे पहले भी ये 307 के मामले में जेल जा चुके हैं। कहा जाता है कि कल का बदला लेने के लिए ज्योति सिंह ने इस पर गोली चलाई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों आदमी आपस में गोलीबारी कर रहे थे, उसी वक्त प्रशासन वहां पहुंच गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने उस पर गोली मारी है। हालांकि मामले की छानबीन अभी की जा रही है। वही सिटी एसपी, डीएसपी, डीएमसी पहुंचकर बयान लेकर मामले की खुलकर जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बाइक खराब हो गया, इसकी बाइक खराब हो गई थी वहीं पर खादरसराय में, तो फिर वहां से कैसे आ रहा था? तुम टेम्पो से आ रहा था।